सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। सुल्तानपुर काशीराम आवास में भरा पानी, सुल्तानपुर प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। बीमारियों को दावत देती गंदगी में रहने को मजबूर हैं स्थानीय लोग। कूड़ेबार ब्लॉक में विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष ने 100 लाभार्थियों को बांटी आवास की प्रतीकात्मक चाबियां। आपको बता दें, सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेबार ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सीताराम वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास के 100 लाभार्थियों को आवास की चाबियाँ वितरित की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला का सुल्तानपुर में बयान, बोले प्रदेश के माफिया हैं सपा के ब्रांड एम्बेसडर। सुल्तानपुर जिले में आज लखनऊ से जौनपुर जाते समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला कुछ देर के लिए सुल्तानपुर में रुके थे। कूड़ेभार के संजय नगर में बाइक सवार को बोलेरो ने रौंदा, बाइक सवार ने तोड़ा दम। आपको बता दें, अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए साथ ही खड़ी कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। सुल्तानपुर में बीते 2 माह से नगर पालिका के सफाई कर्मियों को नहीं मिला वेतन, यूनियन के राष्ट्रीय सचिव ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पूर्व सपा विधायक, एसपी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आपको बता दें, बीते 27 अगस्त को दोस्तपुर CHC पर कवरेज के दौरान एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। उसका आरोप मौजूदा सत्ताधारी विधायक और उनके सहयोगियों पर है। वहीं मारपीट के मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने संज्ञान लिया और इस मामले में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। साथ पूर्व विधायक ने पत्रकार को हर संभव मदद का भरोसा जताया।